सुंदर अभिभाषण दिया था, जिसमें उन्होंने एक सुंदर विकसित आधुनिक दिल्ली का नक्शा देश के सामने प्रस्तुत किया। पिछले 3 दिन में दिल्ली के बारे में पूरी दुनिया भर में 2 किस्म की तस्वीर सामने आई है। दुनिया भर में दिल्ली की खबरें छपी हैं, पूरी दुनिया में, और 2 किस्म की खबरें छपी हैं। एक खबर है दिल्ली की खुशी के बारे में, दिल्ली के बच्चों के बारे में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यूएसए के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी श्रीमती मेलानिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूल में आई। मुझे लगता है कि शायद 70 साल के भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति, तो क्या मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बीवी हमारे देश के किसी भी सरकारी स्कूल में आई होगी 70 साल में। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी धर्मपत्नी दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास अटेंड करने के लिए आई, और हैप्पीनेस क्लास अटेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि इस किस्म की हैप्पीनेस क्लास केवल भारत के नहीं, केवल अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए। मुझे लगता है ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। तो एक तो ये खबर छपी, पूरी दुनिया के सारे अखबारों में छपी, और दूसरी खबर छपी कि जब डोनाल्ड ट्रंप देश का दौरा कर रहे थे तो दिल्ली जल रही थी, दिल्ली के दंगों की खबर छपी, दिल्ली के अंदर नफरत की खबर छपी, भाई और भाई के बीच लड़ाई की खबर छपी, दुकानें जलने की तस्वीरें छपी, मार्केट के मार्केट उजाड़ दिए गए, लोगों के घर उजड़ गए, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर छपी। हम सब दिल्ली वालों को यह सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर चुननी है। ये समय बहुत नाजुक समय है, और हम सब लोगों को मिलकर ये सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर मंजूर है। हमारा ही एक भाई हेड कांस्टेबल श्री रतन लाल शहीद हो गए। वो क्यों शहीद हुए? वो किसी हिंदू को बचाने के लिए शहीद नहीं हुए, वो किसी मुस्लिम को बचाने के लिए शहीद नहीं हुए, वो इस मुल्क को बचाने के लिए शहीद हुए, वो भारत को बचाने के लिए शहीद हुए। उन्होंने अपनी जान दे दी, और कोई भी जान बहुत कीमती होती है। आज इस पूरे सदन की तरफ से, पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं उनके परिवार को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके बेटे की शहादत हम किसी भी हालत में बेकार नहीं जाने देंगे। रतनलाल जी दिल्ली की उस तस्वीर के लिए शहीद हुए जिसमें मेलानिया ट्रंप हमारे दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में आती है, वो दिल्ली की नफरत वाली तस्वीर के लिए शहीद नहीं हुए। मैं उनके पूरे परिवार को इस सदन की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अब हमारी है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, ये सदन, हम सारी पार्टियां, मैं सारी पार्टियों की तरफ से आश्वासन देता हूं, ये सदन, ये सरकार आपका ख्याल रखेगी। मुझे बेहद खुशी हुई आज सुबह मैंने अखबारों पर, सुबह न्यूज चैनल्स में पढ़ा, न्यूज चैनल्स में सुना कि केंद्र सरकार शायद 1 करोड़ रुपए का उनको सम्मान राशि दे रही है। दिल्ली सरकार भी, दिल्ली सरकार की पहले से नीति है, दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी, और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार सरकार में नौकरी देगी। मैं फिर से ये पूछना चाहता हूं कि जो 3 दिन से दिल्ली के अंदर घटनाएं घटी, ये क्यों घटी, ये कौन करवा रहा है? दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं,
दिल्ली के लोग अमन चैन पसंद है, दिल्ली के लोग प्यार और मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहते हैं, दिल्ली में सभी धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं, कितने दशकों से सदियों से भाईचारे से रहते आए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण बनिए इस जात के उस जात के अमीर गरीब सब हम लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, हम अपनी रोटी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, हमें दंगे फसाद नहीं चाहिए, दिल्ली के लोगों को दंगे फसाद नहीं चाहिए, हमें अपनी जिंदगी जीनी है, हमें अपने बच्चों को पालना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, दिल्ली को सुंदर बनाना है, यही हमारा भविष्य है। तो पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ, ये दिल्ली के आम आदमी ने नहीं किया, ये कुछ बाहरी तत्वों ने, कुछ राजनीतिक तत्वों ने और कुछ उपद्रवी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने और कुछ राजनीतिक तत्वों ने, इन लोगों की कारस्तानी है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली के कुछ इलाके जल रहे हैं। ये जो हम सुन रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के झगड़े हैं, हिंदू और मुसलमान दिल्ली में नहीं लड़ रहे, हिंदू और मुसलमान दिल्ली में लड़ना नहीं चाहते। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन दंगों से किसका नुकसान हुआ, इन दंगों से सबका नुकसान हुआ, इन दंगों में कौन मरा, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वीरभान की मौत हो गई, वीरभान हिंदू था, मोहम्मद मुबारक की मौत हो गई वो मुसलमान था, परवेश की मौत हो गई वो हिंदू था, जाकिर की मौत हो गई वो मुसलमान था, राहुल सोलंकी की मौत हो गई वो हिंदू था, शाहिद की मौत हो गई वो मुसलमान था, मोहम्मद फुरकान की मौत हो गई वो मुसलमान था, राहुल ठाकुर की मौत हो गई वो हिंदू था। तो मौत तो दोनों की हो गई, हिंदुओं की भी हो गई, मुसलमानों की भी हो गई, पुलिस वालों की भी हो गई, फायदा किसका हुआ। इसी तरह से ये मेरे पास इंजर्ड लोगों की लिस्ट है, ये तो थी मरे जो जिनकी मौत हो गई, राकेश हिंदू है, मोहम्मद सलीम मुसलमान है, देवदास हिंदू है, राकेश मुसलमान है, नदीम मुसलमान है, राजेश हिंदू है, ये पूरी लिस्ट में हिंदू और मुसलमान दोनों है जो इंजर्ड हुए हैं, जिन पर गोलियां चली हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं। तो नुकसान तो सबका हो रहा है, हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है। अब राहुल सोलंकी बेचारा दूध लेने के लिए घर से निकला था, उसको गोली लग गई। अब उसकी मां को जाके अगर आप कहोगे कि माता जी चिंता ना करो, हमने 10 मुसलमान मार दिए, बदला ले लिया, उसकी मां को क्या लेना देना हिंदू मुसलमान से, उसकी मां को क्या लेना देना 10 मुसलमान मार दिए कि 20 मुसलमान मार दिए, उसका तो बेटा चला गया। अब उसके घर में तो राहुल सोलंकी नहीं है, उसका बेटा तो चला गया, उसको क्या लेना देना, 10 मुसलमान मार दिए तुमने, 20 मुसलमान मार दिए। शाहिद खान रिक्शा चलाता था, अब शाहिद खान की मां के पास जाके कहो कि मां जी चिंता ना करो हमने 10 हिंदू मार दिए, उसकी मां ने क्या लेना देना 10 हिंदू मार दिए कि 20 हिंदू मार दिए। तो नुकसान तो हमारा सबका हो गया, नुकसान तो इस दिल्ली के अंदर जीने वाला जो आम आदमी है पिसा तो वो, और दंगा करने वाले कोई बाहर के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। तो पिछले 2-3 दिन में जो हम कुछ कर सकते थे, हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की, कल पूरी रात में जाग रहा था, हमारे साथी भी लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे, जहां जहां से फोन आ रहे थे हम लोग कोशिश कर रहे थे, जहां जहां पुलिस की मदद मिल पाई हमने पुलिस की मदद से कई परिवारों को निकालने की कोशिश की जो फंसे हुए थे। पुलिस से भी पिछले 2-3 दिन में कई बार सहायता मिली, कई बार उनके पास फौज कम थी, संख्या कम थी, पुलिस में जैसे हमने देखा एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, एक डीसीपी हैं अमित शर्मा जी, कल मैं उनसे मिलने गया था मैक्स हॉस्पिटल में, उनका सर फोड़ दिया, उनकी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, 4 घंटे तक सर्जरी चली, उन्होंने तो अपनी उनके पूरे परिवार से मिला, उनकी माताजी से मिला, उनकी बहन से मिला, उनका तो पूरा परिवार ही एक तरह से दहशत में था। वहीं पे एक एसीपी भी था, और यहाँ पे मतलब कम से कम 50 पुलिस वाले हैं, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास,
जो घायल हुए हैं, तो पुलिस वाले घायल हुए हैं बहुत सारे। एक आईबी ऑफिसर है अंकित शर्मा जी, अंकित शर्मा नाले के अंदर डाल दिया, चेकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पुलिस वाले मेरी समझ में उन्होंने काफी कोशिश की स्थिति को संभालने की, लेकिन माहौल इतना ज्यादा बड़ा था कि संख्या कम थी। और कई बार जब हम नीचे वाले पुलिस वालों से बात कर रहे थे, पता नहीं क्या कारण थे, वो बोले जी ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल रहे कि आप एक्शन ले सकते हो नहीं ले सकते। लेकिन कई सारे वीडियो भी घूम रहे थे, उस वीडियो में कहीं कहीं ऐसे भी थे जो पुलिस, कुछ पुलिस वाले, जैसे हम सुनते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कुछ हो सकता है ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां पे पुलिस भी मदद कर रही थी उपद्रवियों की। अगर ऐसे कोई है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। एमएलए ने बहुत कोशिश की, आप सब लोगों से भी, बीजेपी के एमएलए से भी कल मेरी मीटिंग हुई, हमारे एमएलए से भी मीटिंग हुई। मोस्टली एमएलए जमीन पे थे, फील्ड में घूम रहे थे, अपने अपने वॉलंटियर्स के साथ घूम रहे थे। कई सारे कल मेरे को काफी सारा सुनने को मिला, कई जगह एमएलए की कोशिश की वजह से और कार्यकर्ताओं की कोशिश की वजह से दंगे रुके। जैसे अभी मनीष जी ने उदाहरण दिए कि यहाँ पे लोग रॉड ले लेके घर से बाहर निकले हुए थे, उनसे पूछा भाई क्यों निकले हुए हो, बोले जी वो 200 मीटर से क्राउड आ रहा है। तो वहां 200 मीटर पे जब अपना कार्यकर्ता भेजा, वहां कोई क्राउड नहीं था, तो इनको बोला भाई वहां से कोई नहीं आ रहा, तो सब अपने अपने घर चले गए। इसी तरह से कई जगह अफवाहें फैली हुई थी, उन अफवाहों को जाके जब बताया गया, सच्चाई बताई गई, तो उनको रोकने की कोशिश की। फिर सभी एमएलए के जो इनपुट आए, जो कल मैंने मीटिंग की, अधिकारियों की मीटिंग की, उसको लेके गृहमंत्री जी के पास गए। गृहमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, हॉस्पिटल का हम सब लोगों ने दौरा किया, मैंने भी दौरा किया, एमएलए ने भी दौरा किया, आप लोगों ने भी दौरा किया, एलजी साहब ने भी दौरा किया, सभी पार्टी के लोगों ने दौरा किया। एम्बुलेंस जहां जहां जरूरत थी मैं खुद मॉनिटर कर रहा था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है इनके ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी। तो जो हमारे हाथ में था वो हमने किया। लेकिन आज दिल्ली के लोगों के सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि हम सारे एक साथ खड़े हो जाएं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म के लोग सारे जात के लोग एक साथ खड़े होके और अपना सुनहरा दिल्ली का सुनहरा भविष्य बनाने की कोशिश करें। और दूसरा विकल्प यह है कि एक दूसरे को मारें और एक दूसरे कितने मार दिए उसके कितने मार दिए और अपने कितने मार लिए, एक दूसरे की लाशें गिरने का काम करें। आधुनिक दिल्ली, विकसित दिल्ली किसी भी हालत में लाशों की नींव के ऊपर नहीं बन सकती। अगर हमें आधुनिक दिल्ली बनानी है तो यह आधुनिक दिल्ली केवल और केवल स्कूलों, अस्पतालों, सड़क, बिजली, पानी के नींव के ऊपर बनेगी। और मुझे लगता है अब समय आ गया है जब पूरी दिल्ली को मिलकर कह देना चाहिए, पूरी दिल्ली क्या पूरे देश को मिलकर कह देना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब ये नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब ये भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब दंगों की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब दुकानें जलाने की, माँ बहनों के साथ गलत काम करने की, घर जलाने की, ये सब राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत सारे दिल्ली के कई इलाकों से बहुत अच्छी अच्छी और दिल को खुश कर देने वाली कहानियां भी सुनने को मिली कि कहीं पता चला हिंदू इलाके में एक मुसलमान रहता है, सारे हिंदुओं ने मिलकर उसको बचाया, कहीं पता चला मुसलमान इलाके में एक हिंदू रहता है, सारे मुसलमानों ने मिलकर उसको बचाया। ये दिल्ली वाले हैं, ये आम दिल्ली के नागरिक हैं और हमारा भविष्य इन्हीं के भरोसे आगे बढ़ सकता है। स्थिति बहुत नाजुक है। आज सुबह भी मैंने होम मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था, आज सदन के माध्यम से मैं फिर से उनसे अपील करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में स्थिति को काबू करने के लिए जरूरी ऐसा लगता है आर्मी को बुलाया जाए और जितने अफेक्टेड एरियाज बच गए हैं, जहां जहां कर्फ्यू लग गया बड़ी अच्छी बात है, जो बच गए वहां पे भी कर्फ्यू लगाया जाए ताकि स्थिति जल्द से जल्द नॉर्मल हो
और मैं दिल्ली के लोगों को इस सदन की तरफ से, सारी पार्टियों की तरफ से, इस सदन की तरफ से दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप सब लोग अब अपना एक दूसरे के प्रति ये हिंसा छोड़िए, सब लोग अब अपने अपने घर में जाइए, अपने अपने घर में जाके अपनी जिंदगी दोबारा जीने की कोशिश कीजिए, और अगर बाहर से कोई बाहरी तत्व आके अगर आपकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत पुलिस को इतला करके उनकी जानकारी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।